हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न मटर, जिसे बनाकर हम लोग साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मटर सिर्फ विंटर में मिलते हैं, साल भर हमें फ्रेश मटर नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसे बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर एकदम हरा है, जैसे हम लोग इसको पानी में डालेंगे ये एकदम फ्रेश मटर जैसा दिखेगा, एकदम हरा, और इसका टेस्ट भी स्वीट रहेगा जैसे फ्रेश मटर होते हैं। तो ऐसे फ्रोज़न मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो मटर। हमें मटर अच्छे वाले चूज़ करने हैं, मतलब जिसके दाने थोड़े से बड़े हो और फ्रेश होना चाहिए मटर। तो इस तरीके से हम लोग मटर को छिल कर अलग रख लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए 1 किलो मटर का यूज़ किया है। वैसे तो मैं 20 किलो मटर हर साल स्टोर करके रखती हूँ। अभी मैंने इस तरीके से सारे मटर को छिलके रेडी कर लिया है। सारे मटर छिलके रेडी है, अभी मैं इसे धो के क्लीन कर लूँगी। अभी मैंने एक पैन में पानी डाला है, आप कोई बड़ा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। पानी डालकर अभी मैंने मटर भी धो लिए हैं और एक तरफ मैंने एक स्ट्रेनर छन्नी लिया है और उसके नीचे एक बर्तन रखा है। अब पानी में अच्छे से बॉईल आ गया, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक और शक्कर डालकर थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। अब मटर लेकर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें डालेंगे और गैस को हम लोग मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। एक साथ हमें पूरे मटर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। डालने के बाद अब आप देख सकते हैं मटर ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे पूरे मटर ऊपर आ रहे हैं। बस इस स्टेज तक हमें रखना है, उसके बाद हम लोग छन्नी से छानकर सारे मटर निकाल लेंगे। मटर को हमें पकाना नहीं है, जस्ट जब ऐसे ऊपर आ जाएंगे उसके बाद हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। निकाल कर यहाँ पर जो हमने स्ट्रेनर छन्नी रखा है इसके ऊपर हम लोग डालेंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। इसमें मैंने 1 स्पून शक्कर और 1 स्पून नमक डाला था। ऐसा करने से मटर का कलर एकदम हरा रहेगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अब मैंने सारे मटर निकाल लिए, अब उसके तुरंत बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी। ऐसा करने से इसका कुकिंग प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा, हमें मटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैंने ठंडा पानी डाल दिया है ताकि ये मटर ठंडे हो जाए। अब मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख रही हूँ, आप चाहो तो एक बर्तन में ठंडा पानी या आइस वाटर लेकर उसमें भी डाल के रख सकते हैं। अभी मैं इस तरीके से एक ज़िपलॉक बैग ली हूँ, आप चाहो तो एयर टाइट कंटेनर ले सकते हो, बॉटल ले सकते हो, या नॉर्मल जो पॉलीथीन होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। मटर पूरी तरीके से ठंडे होने चाहिए और इसमें पानी पूरा निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें इसे पॉलीथीन में भरना है। पॉलीथीन में भर कर इसे हम लोग स्टोर करने रख देंगे। स्टोर करने रखने के बाद जब आपको यूज़ करना है तब आप इसे निकाल कर थोड़े से कुनकुने पानी में या नॉर्मल पानी में भी आप डाल के रख सकते हो। ऐसा करने से आपके मटर फिर से एकदम फ्रेश हो जाएंगे। अब मैं इसे रख रही हूँ फ्रीज़र में। अब हमारे मटर बनके रेडी हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी एकदम हरा है, और आप जैसे इसे पानी में डालोगे ये एकदम हरे और खिले खिले बनके रेडी हो जाएंगे। और जब भी आप मटर यूज़ करोगे उसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर को अच्छे से बंद कर देना या बैग को अच्छे से लॉक कर देना। अब आप भी ये फ्रोज़न मटर ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।